नाना शास्त्र विचारण एक निपुणो धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्ण। एक बार श्री प्रभुपाद जी से प्रभुपाद ने चार सन्यासियों को, चार भक्तों को सन्यास दीक्षा दी और जस्ट यंग एज में प्रभुपाद के समय दीक्षा दे दी उन्होंने जस्ट 20-21 साल में। उन भक्तों को पता नहीं था कि हमें सन्यास दीक्षा तो मिल गई है लेकिन हमें करना क्या है सन्यास के बाद। तो भक्त जो है प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि आपने सन्यास तो दे दिया हमको लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक सन्यासी का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए उसको। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आपको जो षड्भुज गोस्वामी अष्टकम है उसको रोजाना पढ़ना है, याद करना है और उसको जो षड्भुज गोस्वामी के क्रियाकलाप हैं उनको अपने जीवन में उतारना है, यही सन्यासी का कर्तव्य है, इसीलिए रोजाना पढ़ना है। अब हम लोग कह सकते हैं कि हम में से यहाँ पे तो कोई सन्यासी है नहीं, है ना। वो इंस्ट्रक्शन, वो आदेश प्रभुपाद ने सन्यासियों को दिया था कि रोजाना षड्भुज गोस्वामी अष्टकों का पाठ करना है और उसको अपने जीवन में उतारना है, तो सन्यासी को दिया। हम तो सन्यासी है नहीं, बच गए हम तो। तो प्रभुपाद फिर कहते हैं कि सन्यासी का कार्य क्या है, कौन है सन्यासी? जो भगवान के नाम का प्रचार करता है, जो भगवान के संदेश का प्रचार करता है वो सन्यासी है। और इस्कॉन के अंदर हर व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करता है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे वानप्रस्थी है, चाहे सन्यासी है। सो एक सेंस में हम देखें तो इस्कॉन के अंदर हर भक्त क्या है, सन्यासी है, क्योंकि वो भगवान का प्रचार कर रहा है। तो इसीलिए ये जो षड्भुज गोस्वामी अष्टकम है ये हम सबके लिए है और इस षड्भुज गोस्वामी अष्टकम को हमें याद करना है, इसके अनुवाद को देखना है, जो क्रियाकलाप थे षड्भुज गोस्वामी के, और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। यही इन ग्रंथों का उद्देश्य है कि हम सतोगुण तक, गोस्वामी पद तक पहुंच पाएंगे। हरे कृष्ण। सो बहुत सुंदर ये षड्भुज गोस्वामी अष्टकम है, मेरा फेवरेट है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं और रोजाना इसको दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी सेकंड वाला ही क्यों गाया जाता है, मतलब सारा पूरा क्यों नहीं गाया जाता? इसमें कुछ एक्टिविटी नाना, एक्चुअली इसमें बताया गया कि उन्होंने षड्भुज गोस्वामी, उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का निर्माण किया, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, और हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं उनका, तो इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं श्लोक। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है और शुद्ध भक्ति के लक्षण, छह लक्षण हमने प्रकट जो होते हैं जब हम भक्ति करते हैं, तो क्लेश आदमी, जो भौतिक क्लेश तीन के कारण है, पाप, बीज, अविद्या, तो सभी से हमें मुक्ति मिलती है। और फिर शुभदा, है ना, सभी के प्रति करुणा, सभी के प्रति आकर्षित करती है, सद्गुण प्रदान करती है और स्पष्ट उच्चतर सुख प्रदान करती है। तो ये शुभदा के लक्षण हमें साधना भक्ति के स्तर पर प्रकट होते हैं। और मोक्ष लवताकृता और सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति के स्तर पर प्रकट होते हैं। और सांद्रान विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, वो प्रकट होते हैं प्रेमा भक्ति के स्तर पर। तो आज हम दूसरा अध्याय जो है इसका, आपके भक्ति स्वामी सिंधु का, उसको स्टार्ट करेंगे। तो तीन प्रकार की भक्ति है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति करने की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, इसकी व्याख्या, इसका उद्धरण, तो ये इसका सार क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखेंगे कि हमें करना क्या है, है ना। अभी तक हमने देखा शुद्ध भक्ति परिभाषा क्या है, भक्ति की लक्षण क्या है,
अब हमें करनी कैसे उसको, उसको हम देखेंगे। तो रुचि के अनुसार है ना, जब आप पहला पैराग्राफ देखोगे दूसरे अध्याय का, आप बुक्स अपनी खोल सकते हो सभी भक्त। तो हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कितना टेस्ट है भक्ति करने में, जिस प्रकार उदाहरण है पिछले जन्म में हमें कुछ कुछ भक्ति की हमने, और उसका परिणाम क्या है इस जन्म में हमारा स्वाभाविक आकर्षण है, टेस्ट है किसी पर्टिकुलर भक्ति के अंग में, तो शुरू कब हुई वो? अगर पिछले जन्म में अभी हमने भक्ति की तो भक्ति की शुरुआत कब हुई है, भक्ति का कारण क्या है? तो पहले मैं आकर्षण हुआ, फिर मैं पालन किया, फिर आकर्षण हुआ, फिर पालन किया, है ना। तो ये भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? भक्ति की शुरुआत होती है अहेतु की कृपा से। मतलब आकर्षण या पालन तभी हो जाता है जब भक्त के द्वारा अहेतु की कृपा दी जाती है। तो किसी भक्त के द्वारा हमें जब कृपा दी जाती है अहेतु की कृपा, तो फिर हम भक्ति के किसी अंग से आकर्षित होते हैं और फिर उसका हम पालन करते हैं। तो भक्ति संजायते भक्ति, तो भक्ति का कुछ और कारण नहीं होता है, भक्ति का कारण क्या है? स्वयं भक्ति है। भक्ति किसी चीज से नहीं मिल सकती, केवल किससे मिल सकती है? भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति का कारण केवल क्या है? भक्ति है। तो भक्ति केवल भक्ति से ही उत्पन्न होती है। जो कोई भक्त के संपर्क में आ जाता है, थोड़ा सा भी अगर आदान प्रदान हो जाता है उससे किसी भक्त से बाई चांस, तो क्या होता है? उसे अज्ञात सुकृति मिलती है, उस भक्त को अज्ञात सुकृति मिल जाती है। और अज्ञात सुकृति क्या है? आकर्षण में कन्वर्ट होती है कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद। तो क्या होगा? उसे स्वतः ही किसी भक्ति के अंग से आकर्षण महसूस होगा, कीर्तन से या किसी से, और फिर वो क्या करेगा? आपके पास आएगा, पूछेगा, और फिर धीरे धीरे वो पालन करता जाएगा। सो भक्ति को बोला जाता है अहेतु की अप्रतिहता, कि कोई इसका हेतु नहीं है, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब कोई नया व्यक्ति हमें मिलता है तो खूब फिलोसफी झाड़ते हैं उसके सामने, तर्क वितर्क करते हैं और प्रचार करते हैं, वो इरिटेट हो रहा होता है और हम बोलते जा रहे हैं शास्त्र के बारे में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो परेशान हो रहा है। लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर से क्या है, अज्ञात सुकृति हमें देनी चाहिए। वो फ्रस्ट्रेट होकर जा रहा है, अज्ञात सुकृति उसको नहीं मिल रही। तो अगर कोई व्यक्ति फिलोसफी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या है, उसके रुचि के अनुसार, उसके टेस्ट के अनुसार हमें कुछ न कुछ वस्तु प्रदान करनी चाहिए जो उसके अज्ञात सुकृति का कारण बने। कृष्ण भावना में कोई वस्तु हम उसे दे सकते हैं, जैसे कोई कृष्ण का फोटो हम दे सकते हैं, कुछ प्रसाद दे सकते हैं, हम मंदिर इन्वाइट कर सकते हैं फेस्टिवल्स में, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है हमारा, उसमें आप आइए, कीर्तन की कुछ रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिन लोगों को म्यूजिक पसंद है, रॉक म्यूजिक जैसा भी भगवान का नाम, उसको दे सकते हैं, जो उसको अच्छा लगता हो। तो अगर आप नए व्यक्ति को मिल रहे हैं, तो आप उसके साथ आपको ऐसे आदान प्रदान करना है, फिलोसफी नहीं झाड़नी है अपनी, है ना। हमने फिलोसफी झाड़ झाड़ के कितने कितने लोगों को भक्त बनने से रोक दिया। अगर हमने उनको सही तरह से प्रचार किया होता शुरुआत में, तो आज भक्त बने होते, लेकिन हमने क्या किया, उनको उनके सामने फिलोसफी झाड़ी और वो कभी अभी तक भक्त नहीं बन पाए। तो हमें शुरुआत कैसे करना है, कम से कम वो अज्ञात सुकृति लेके जाएगी, ऐसी शुरुआत करनी है। रुचि, इंटरेस्ट दिखा के कुछ ऐसे कार्य उसको कराने, और अगर हम ऐसी चीजें उसको देंगे तो एक दिन वो क्या करेगा, एक दिन वो हमसे प्रश्न पूछेगा, है ना, कि आप, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो अज्ञात सुकृति है वो फलीभूत हो रही है ना, प्रश्न पूछ रहा है तो हमें आंसर देना है ना। और उसके बाद फिर वो भक्ति के किसी अंग में अपना इंटरेस्ट, रुचि शो करेगा कि मैं ना वहां पर क्लीनिंग करना चाहता हूँ, कि मंदिर में आके मैं कोई डोनेशन देना चाहता हूँ, है ना, मैं हरे कृष्ण मंत्र करना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, मैं प्रवचन सुनना चाहता हूँ, मैं भगवद गीता का अध्ययन करना चाहता हूँ। तो आपके पास ऐसे लोगों के फोन आते होंगे, ये लोग बोलते होंगे, तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पहले किसी भक्त के संपर्क में आ चुके हैं और अज्ञात सुकृति मिल चुकी है उनको, और फिर वो आपके पास आके पूछते हैं मुझे ऐसा करना है। तो इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव है, अगर हम प्रचार कर रहे हैं किसी को तो खुश कर गए उसको ना, जो इंटरेस्ट है
उसके हिसाब से भले ही कुछ भी दें, वो आगे भक्त बनेगा, भले ही आज नहीं तो कल नहीं तो एक जन्म बाद दो जन्म बाद कभी ना कभी भक्त बनेगा। तो फिर उसके जब वो रुचि शो करता है तो उसकी भक्ति की शुरुआत होती है आदो श्रद्धा, मतलब कुछ श्रद्धा वो दिखा रहा है, भक्ति के प्रति आकर्षण उसका हो रहा है। तो ये है अहेतु की कृपा से पिछले जन्म में की गई भक्ति के द्वारा इस जन्म में आकर्षण, है ना, कि अहेतु की कृपा पिछले जन्म में आकर्षण हुआ था और इस जन्म में हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है। तो हरि कथा हरि नाम में रुचि आती है और उसके बाद फिर वो अधिकार में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में बोलेंगे कि साधना भक्ति करनी है, तो जैसे मान लो कि नया व्यक्ति है और उसको बोलोगे ना कल से 16 माला चैंटिंग करो, मौन प्राम करो, सुबह उठो, साधना भक्ति ये मांगे साधना भक्ति की, तो वो ठेंगा दिखाएगा मैं नहीं करूंगा। इसीलिए शुरुआत में क्या है, कुछ उसके रुचि के, है ना, उसके अंदर कुछ अज्ञात सुकृति क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे आदान प्रदान करने हैं हमको। फिर आगे जाके उसके स्वतः ही वो क्या है रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि हमने बताया कि भक्ति के कारण वो भक्ति हो सकता है। हम जबरदस्ती किसी को भक्ति नहीं दे सकते, हम क्या दे सकते हैं, केवल सुकृति दे सकते हैं, यानी अज्ञात सुकृति दे सकते हैं, उसको भक्ति नहीं दे सकते। भक्ति का कारण क्या है, भक्ति है। तो जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ की जो चार लाइनें अंतिम, यद्यपि सातत्य ना भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोग वश शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत का श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन एवं ज्ञान तर्क प्रतिक्रियाओं के आदि हैं। तो मानसिक चिंतन को भावना ना देते हुए हरि कथा में रुचि को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। हमारा अहंकार तर्क में परास्त करो, इससे नहीं होने वाला है, है ना। ये हमारा अहंकार है कि नहीं नहीं इसको क्या करना है, तर्क में परास्त करना है, नहीं इससे भक्त वो नहीं बनने वाला है। तो स्वतः ही उसके अंदर रुचि वो आएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में इस कथन की पुष्टि होती है कि तर्क से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम तर्क वितर्क करने में समय व्यर्थ गवाते हैं तो उसमें बताया गया रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे तर्क वितर्क से उसका कोई फल हमको नहीं मिलने वाला। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक कोट किया गया है, 17वें मध्य लीला के 17वें अध्याय के 86 श्लोक में। ओरिजिनली ये श्लोक महाभारत से लिया गया और उसमें बताया गया है तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासावृषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो येन गता सपन्था। ना आपने सुना होगा प्रभुपाद जी बार बार कोट करते हैं, महाजनो येन तथा गता सपन्था, महाजनो येन गता सपन्था, कई बार प्रभुपाद जी कोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है। जिन महापुरुषों का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिससे धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है। धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। फलस्वरूप जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर चलना चाहिए। तो शुष्क तर्क का क्या है, अभाव रहता है, उससे हमें कोई फर्क लाभ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर बताया गया है, कोई पढ़ना चाहेगा तीसरा पैराग्राफ अध्याय दो का इस कथन की पुष्टि के लिए। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मता अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्क शास्त्री है इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग ना तो सुरक्षित है ना निर्णायक। इसलिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो हमें तर्क वितर्क में नहीं फंसना चाहिए, तर्क वितर्क में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई व्यक्ति मिलता है तो हम जैसे इनवाइट करें, उस प्रभुपाद जी ग्रंथ दें, प्रसाद दें और उसको अज्ञात सुकृति देने का प्रयास करें। तर्क वितर्क से कोई भक्त नहीं बनने वाला। जस्ट सिंपली फॉलोइंग द फुल स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य।
तो यहाँ पर जो हमारी पहली लहरी है सामान्य भक्ति, वो खत्म होता है। हमने बताया था ना इसके चार विभाग हैं भक्ति सामान्य सिंधु के, पूर्वी विभाग, दक्षिणी विभाग, पश्चिमी एंड उत्तरी। और उसके बाद पूर्वी विभाग का हम इस भक्ति सामान्य सिंधु में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके चार लहरें हैं। पहला लहर क्या है? सामान्य भक्ति। तो यहाँ पर आज पहली लहर खत्म होती है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या, साधना भक्ति आज शुरू होगी। और साधना भक्ति जो है वो लहर शुरू होगी, उसका नाम है साधना भक्ति। तो अभी तक जो श्लोक थे उसका नंबर था 1.1 समथिंग, है ना, 1, 2, 40 तक हमने श्लोक डिस्कस किए, यहाँ पे 40 तक। तो अब जो श्लोक संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1.2.1, उसको आप याद कर सकते हैं भक्ति सामान्य सिंधु। तो सेकंड लहर स्टार्ट हो गया और इसमें बताया गया, रूप गोस्वामी लिखते हैं, स भक्ति साधनम भाव प्रेम चेति त्रिदोदिता, है ना। तो पहले पैराग्राफ में रूप गोस्वामी बताते हैं, ये पहला श्लोक है 1.2.1। रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति सामान्य सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके भक्ति पूर्व की तीन कोटियां बता चुके हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। अब श्री रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। और उसके बाद साधना भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि तत्र साधना भक्ति, ये साधना भक्ति है। क्या भक्ति है? कृति साध्य भवेत साध्य भाव सा साध्याभिता नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकृत्यम हृदि साध्यता। इसका मतलब क्या है कि जब कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान करने वाली दिव्य भक्ति में ही सेवा इंद्रियों के माध्यम से की जाती है, तो यह साधना भक्ति या भक्तिमय सेवा का नियामक संपादक कहलाती है। ऐसी भक्ति प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में शाश्वत काल से विद्यमान है। इस शाश्वत भक्ति को जागृति भक्तिमय सेवा के अभ्यास की शक्ति से संभव है। तो कृति साध्या, है ना, इसका मतलब है श्लोक में वर्ड आया है कृति साध्या। कृति साध्या मतलब किस प्रकार इसको कार्यान्वित किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा, है ना, मन और इंद्रियों के द्वारा, हाथ से, आंखों से, मुंह से। तो इंद्रियों के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। कृति साध्या भवेत होनी चाहिए, इंद्रियों द्वारा कार्यान्वित होनी चाहिए भक्ति, जिसको हम साधना भक्ति कहेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा अगर ऐसे करते हैं तो, साध्य भाव, जिसके द्वारा हम भाव प्रेम प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? इसी साधना भक्ति के द्वारा। स साधना अविदा, इसको हम साधना भक्ति कहते हैं। तो साधना भक्ति की बहुत सुंदर परिभाषा रूप गोस्वामी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा अगर हम सेवा करते हैं भगवान की और उससे भाव प्रेम तक पहुंचते हैं तो इसको हम साधना भक्ति कहते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में सारांश में प्रभुपाद जी इसको बताते हैं, पढ़िए दूसरा पैराग्राफ। साधना का अर्थ है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्यों में लगाना। अतः साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञान अर्जन के लिए होती हैं और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी कृतज्ञता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणतः एक शिशु चलने का अभ्यास करता है, यह चलना अस्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकता ग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों ना पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी साधना भक्ति का अर्थ बता रहे हैं कि साधना करने से भाव उत्पन्न हो जाएगा। और साधना का मतलब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना कर्मेंद्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, मन इत्यादि द्वारा, वो एक विशिष्ट अभ्यास करने से सतत लगाना, निरंतर रूप से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाना, इसको क्या कहते हैं, साधना कहते हैं। तो
अभी अशुद्ध अवस्था में होने के कारण क्या है, हम चीज गलत कर रहे हैं। साधना से धीरे धीरे क्या चीजें शुद्ध होती जाएंगी। तो इससे आगे चलकर सत्य पूर्वक भक्ति का ही पालन हम करते रहेंगे। तो इसलिए भक्ति तो पहले वाला नहीं, ऑलरेडी हमारे अंदर क्या है, ऑलरेडी भक्ति सुप्त अवस्था में हमारे अंदर रहती है। तो साधना क्या करती है, उस भक्ति को पुनर्जागृत करती है ना। हम साधना ये सारी प्रैक्टिसेस क्यों कर रहे हैं, उस भक्ति को पुनर्जागृत करने के लिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर दो उदाहरण देते हैं। तो पहला उदाहरण दे रहे हैं एक छोटे से शिशु का, बच्चे का। तो बच्चा क्या है, बच्चे धीरे धीरे चलना सीखता है, तो वो बच्चे के अंदर वो गुण चलना पहले से ही है, वो क्या है प्रैक्टिस कर रहा है खाली, और एक समय वो क्या है धीरे धीरे पूरी तरह से वो अच्छी तरह से चलने लगता है थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चलने की प्रवृत्ति पहले से ही है, वो जानता है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी है ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतना उनके अंदर ज्ञान नहीं है, असभ्य है, इतने मैनर नहीं है उनके अंदर, आदिवासियों के अंदर, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी भी अद्भुत घटना को क्या करते हैं नमस्कार करते हैं। उनको भी पता है कि कोई ना कोई ऐसी हायर अथॉरिटी है, तो उनके अंदर भी सुप्त अवस्था में भक्ति है, जिसके कारण वो ऐसा आदान प्रदान करते हैं। तो ये दो उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, इससे पता पड़ता है कि हम सबके अंदर भी सुप्त अवस्था में भक्ति पहले से ही है, हमें क्या करना है उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे वो फिर से पुनर्जागृत हो जाएगी, है ना। जिस प्रकार अभी हमने देखा कि चंद्रयान है ना, साइंटिस्टों ने चंद्रयान पर चंद्रयान 3 भेजा और चंद्रमा पर एक विमान भेजा। इससे पहले भी प्रयास किया गया था नासा के द्वारा, लेकिन वो विफल हो गया था, बहुत सालों पहले की बात है। और उसके ऊपर एक मूवी बनी है अपोलो 13। तो जब वो विमान वहां से वापस ग्रेविटी के कारण वो क्या है गिर रहा था, एक्चुअली पृथ्वी की तरफ आ रहा था, तो उसमें से काफी सारे जो वैज्ञानिक हैं वो बिल्कुल अथीस्ट थे, वो नास्तिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी लोगों को संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा देशवासियों को, कि आप जिस किसी भी धर्म को मानते हैं कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि उनके अंदर भी सुप्त अवस्था में जो भक्ति है ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में वो निकल के आती है, है ना। एक इंग्लिश में कहावत है, देयर आर नो अथीस्ट इन द फॉक्स होल, मतलब कि जब एक्सट्रीम परिस्थिति आती है, जब ऐसी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो जो भगवान में विश्वास नहीं भी करता है तो भी वो क्या है भगवान को अपने अपने फॉर्म में भगवान को याद करता है। क्यों याद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हृदय में सुप्त अवस्था में वो भक्ति पड़ी हुई है, और अगर अभ्यास करेंगे उसका तो हमें उसको फिर वो फिर से पुनर्जागृत कर सकते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल कृपा जी आगे देंगे इसके बाद, जो प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति पढ़िए आगे, प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं जी? जी, प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में झगड़ा रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यतः पद जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है, भौतिक कार्यों में फंसने के कारण वह दुखी नश्वर तथा अज्ञानी बन जाता है। वह विक्रम के कारण है, विक्रम का अर्थ है नए किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना, गलत अनुवाद किया गया हिंदी में, इसका अनुवाद ये नहीं होगा न किए जाने वाले कार्य, इसका अनुवाद होगा न करने योग्य कार्य, ठीक है आगे पढ़िए। यह विक्रम के कारण है, विक्रम का अर्थ है नए करने योग्य कार्य, अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगला आरती शिव विग्रह पूजा की जाए, कर्तव्य भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रम से यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। हाँ, जिस प्रकार मनोचिकित्सक, इसके बाद प्रभुपाद जी तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार वो अंदर ही हमारे मनोचिकित्सक, पढ़िए। जिस प्रकार मनोचिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से
बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। ठीक, धन्यवाद। सो कि पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है, है ना। एक तरह मैडनेस, उसके ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैडनेस, असामान्यता, असामान्य रूप से। नूनम प्रमत्ता कुरते विक्रमा, है ना, पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय का चौथा श्लोक है। तो नूनम प्रमत्ता कुरते विक्रमा, कि प्रमत्ता मतलब प्रकृष्ट रूपेण मत्ता, खूब रूप से बिल्कुल पागल हो रखा है उन चीजों के लिए, तो उसमें जकड़ा रहता है जो व्यक्ति होता है। तो भक्ति के बाहर के कार्य क्या है, बंधन, है ना, और तथा क्या करते हैं, दुख के लिए है। बंधन प्रकट करते हैं जो भी हम बाहर के कार्य कर रहे हैं, भौतिक कार्य कर रहे हैं, और दूसरा हमें वो दुख बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी यहाँ पर साधना भक्ति शुरू हुई नहीं है, साधना भक्ति के अंगों की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन प्रभुपाद जी कौन सी लिम्स ला रहे हैं, सबसे पहले मंगल आरती, है ना, मंगल आरती, क्योंकि भौतिक कार्य से दूर रहो, गुरु का पालन करो और मैडनेस चली जाएगी। तो ये प्रभुपाद जी के भाव है कि मंगल आरती सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक साधना भक्ति शुरू नहीं हुई है, कौन कौन से अंग है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मंगल आरती का कितना प्रभाव है हमारे जीवन में, है ना, पहले से ही प्रभुपाद जी ने डाल दिया। इसीलिए हमें मंगल आरती सुबह सुबह करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, भौतिक कार्य से दूर रहेंगे तो गुरु का पालन करेंगे तो सारी मद्यता जो है, जो पागलपन है, वो क्या होगा, वो चला जाएगा। जिस प्रकार हमने कई सारी मूवियां पुराने जमाने की देखी होंगी, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का बहुत तेज एक्सीडेंट होता है और वो बेहोश हो जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसके बाद वो होश में आता है तो पूछता है मैं कौन हूँ, है ना, उसकी याददाश्त चली जाती है, मैं कौन हूँ, याददाश्त गायब, है ना। तो उसकी मदर माँ साइड में खड़ी है, तो पूछती है माँ कौन है, मैं तो नहीं जानता, है ना, मुझे नहीं पहचानते, है ना। तो डॉक्टर आता है और एक फेवरेट डायलॉग बोलता है, क्या इसके मस्तिष्क पर गहरी चोट के कारण ये सारी याददाश्त भूल चुका है, इसको कुछ याद नहीं। और फिर डॉक्टर क्या कहता है कि इसकी याददाश्त वापस कैसे आएगी, कि इस व्यक्ति को ऐसे कार्य कराओ जो इसने पहले किए हैं, है ना, ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाओ, ऐसी पार्टी में लेकर जाओ, वही गिफ्ट द्वारा दो इसको, तो इससे क्या होगा, इसकी याददाश्त आने की चांसेस ज्यादा है। तो उसी प्रकार जब जीव जो है इस भौतिक संसार में आता है ना, गहरी चोट लगती है इस भौतिक संसार में आकर, अपनी याददाश्त खो बैठता है, क्या याददाश्त, कि हम भगवान के अंश हैं, मैं भगवत धाम में हूँ, भगवान का जीव, भगवान से हमारा संबंध है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और उल्टे सुलटे काम कर रहा है। इस प्रकार किसी की याददाश्त चली जाती है तो क्या है, जो जिनसे संबंध नहीं है उनसे संबंध बनाता है, और जिससे संबंध ओरिजिनली है उसको भूल चुका है, तो हमारे साथ भी हमारी याददाश्त चली गई है और हम भगवान से संबंध इसको भूल चुके हैं, बाकी सारे जो टेम्पररी रिलेशन है उनको हम वास्तविक संबंध मान रहे हैं। तो उन्मुक्त, तो मत्त, उन्मुक्त, उन्मुक्त, उन्मत्त और प्रमत्त, ये कैटेगरी है। मत्त एक पागल, एक उन्मत्त और ज्यादा पागल, और प्रमत्त बिल्कुल ही पागल, तो हमारी वो कैटेगरी है। तो भक्ति क्या है, जिस प्रकार डॉक्टर से डॉक्टर बताएगा पुरानी चीजों में इसको लगाओ, है ना, परिस्थिति में लेकर जाओ, है ना, वही जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वैसे एक्सीडेंट कराओ, है ना, वैसे चोट से तुरंत याददाश्त कई लोगों की वापस आ जाती है उसी चोट से, उसी बर्थडे में गिफ्ट दो, और एक दिन सब क्या होता है, उसकी याददाश्त वापस आती है, हाँ मैं सब मेरे को याद आ गया, आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिताजी हो, ये मेरी पत्नी है, सब उसको याद आ जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन का जो वर्ण है वो क्या है, मंदिर, मन को जो ठिकाने लगाए वो क्या है, मंदिर है। तो जब हम सब भूल जाते हैं हमें कहाँ पर जाना है, मंदिर में, रेगुलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा हमको मंदिर के अंदर, वहां पर ट्रीटमेंट होगा हमारा। इस प्रकार कभी कभी बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो बहुत आनंद आता है, हम सोचते हैं कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है ना, कहीं तो ऐसा होता था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमने ये सारी क्रियाएं कर चुके हैं। तो इन कार्यों को बारंबार करते हुए, जब हम बार बार इन कार्यों करेंगे, साधना भक्ति करेंगे,
तो एक न एक दिन में क्या होगा, अपने स्वरूप की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा, हमें पहचान में आएगा, अरे मैं तो वो हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, मैं ये स्वरूप है मेरा, भगवत धाम है। कब होगा ये? जब हमें याददाश्त अपनी वापस आ जाएगी। वो याददाश्त वापस कैसे आएगी? जब हम भगवत धाम में जो कार्य करते थे उन्हीं कार्यों को रिपीट करेंगे, भगवान की अर्चन करेंगे, भगवान के लिए गार्लैंड बनाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, ये सारे कार्य भगवत धाम में भी करते थे, उन सारे कार्यों को जब यहाँ पर करेंगे वही साधना भक्ति है। और जब ये साधना भक्ति करेंगे तो हमारी याददाश्त क्या है, वापस आ जाएगी, हमें सब कुछ पता पड़ जाएगा, अरे भाई मैं कहाँ पागल यहाँ किसके चक्कर में फंसा हुआ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, मेरा ये स्वरूप है। तो हमें भी उस स्वरूप स्थिति का ज्ञान होगा जब हम ये साधना भक्ति करेंगे। प्रभुपाद जी जैसे तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि मनोरोग चिकित्सक ज्यादा प्रश्न नहीं, हम जब मनोरोग चिकित्सक के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो हमसे प्रश्न ही पूछते हैं, वो जो कहता है उसे फॉलो करते हैं। तो उसी प्रकार जो हमें डॉक्टर के माध्यम से, जो हमें गुरु आचार्यों के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, साधना मतलब फॉलो करो, तो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनको हमें चुपचाप फॉलो करना है। ऐसा नहीं पूछना सोलह माला क्यों करें, सोलह माला करनी है तो करनी है, ये सिस्टम है। अपने मद्दपन को है ना, जो प्रमत्त है हम, उस पागलपन को दूर करने का, और जो फॉलो करता है उसका ये जो पागलपन है वो दूर होता है साधना भक्ति के द्वारा। तो तीन उदाहरण प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिए, शिशु का चलना, आदिवासी की आराधना करना और मनोरोग चिकित्सा का यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दिया है। सो ऐसे ही 64 अंग आएंगे भक्ति के आगे, और वो थेरेपी है हमारी अपनी याददाश्त को, अपने पागलपन को ठीक करने की। इन 64 अंगों का पालन करेंगे, पूरा स्वीकार करेंगे, स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, तो उससे हमारी चेतना में बहुत असर पड़ेगा। सो इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो साधना भक्ति है उसका सार क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो सेकंड पैराग्राफ में 21 पेज नंबर पर नारद मुनि भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि कतमोपि नवेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवर्षेत। इसका मतलब है, कोई पढ़ना चाहेगा इसको, चौथा पैराग्राफ, सॉरी सेकंड पैराग्राफ। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में 7.1.32 इस साधना भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है, यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थित कर सके, यही साधन भक्ति की शुरुआत है। हरे कृष्ण प्रणाम करते हैं। तो गुरु का कार्य क्या है? ऐसे साधन ढूंढना जिससे कि जो शिष्य है कृष्ण में ध्यान लगा पाए, ऐसे कार्यों को ढूंढना जिससे कि शिष्य अपने इंटरेस्ट को भगवान की सेवा में लगा पाए। जब हिपीज को प्रचार किया तो उनके पास साधन भक्ति करने की योग्यता नहीं थी, तो प्रभुपाद ने क्या किया कि जो जिसके पास जो योग्यता थी, है ना, किसी को म्यूजिक आता था, ठीक है आप म्यूजिक में लगो, कोई इंग्लिश प्रोफेसर है ना, प्रभुपाद ने कहा ठीक है आप थोड़ी एडिटिंग करो, मेरे शास्त्रों की मैं ग्रंथ लिखता हूँ। तो सलाह प्रभुपाद ने कहा कि एक एक कार्य सबको या हॉवर्ड जो हैगरी प्रभु थे, तो उनको क्या है, उनसे पूछा आप टाइपिंग कर लोगे, क्या मैं टाइपिंग कर लूंगा, तो उन्होंने क्या है कुछ टाइपिंग करने के लिए सेवा दी। तो हैगरी पुनः बोला प्रभुपाद में और कुछ सेवा कर सकता हूँ आपकी। प्रभुपाद ने फिर अपने अलमीरा से बहुत सारे पोती पत्र निकाले, उस समय प्रभुपाद के पास कागज नहीं हुआ करता था, तो पोस्ट कार्ड पर अंतरदेशी पर प्रभुपाद जी अपनी राइटिंग्स को लिखते, सारे निकाला। तो प्रभुपाद को बोला, हैगरी प्रभु ने बोला, ये तो पूरे जीवन का कार्य है। तो प्रभुपाद ने बोला, इवन मोर देन दैट, है ना, ये एक जीवन अभी नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा है। तो फिर इस तरह प्रभुपाद ने हर व्यक्ति को क्या है, कुछ न कुछ समय के लिए भगवान की सेवा के लिए उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया है। तो इसको मैं छोटा भी कोई कार्य है ना, उसको नियुक्त कर दिया, जैसा भी जो उसकी जो मानसिकता है, जैसा वो कार्य कर सकता है, प्रभुपाद ने उसको लगा दिया। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा एक व्यक्ति से कि आपको मैगजीन के बारे में कुछ जानकारी है? उन्होंने, नहीं नहीं मैंने मैगजीन 2-4 बार पढ़ी है बस, पढ़ी होगी, ठीक है, आप आज से क्या हो, चीफ एडिटर हो मैगजीन। तो उनको चीफ एडिटर बना दिया, आगे जाके उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। तो गुरु का काम क्या है, ऐसे साधन ढूंढना जिससे कि कृष्ण में स्थिर किया जा सके मन को, भक्तों को। तो ये गुरु का काम है।
और यही साधना भक्ति की शुरुआत है। आदो गुरु पद आश्रय, गुरु के आश्रय में जाना और उनके अनुसरण करना है। तो इसी प्रकार हमें भी कुछ ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए कि जिससे ये न केन प्रकार अपने मन को भगवान कृष्ण में लगा सके। तो ये साधना भक्ति का सार है, क्या ये न केन प्रकारेण, क्या करना है हमें, मन कृष्ण निवेश ये, अपने मन को कृष्ण में निवेश करना है। तो ये भक्ति का क्या है, सार है। तो बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो सामने एक स्लिप लगा सकते हैं श्लोक की, और श्लोक भी याद कर सकते हैं साथ साथ कुकिंग भी कर सकते हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमेशा लेक्चर्स रेडी रखे हैं अपना एक सीरीज के, रोजाना कुछ ना कुछ हमारी ड्राइविंग है तो उस समय हम कुछ लेक्चर सुन सकते हैं। अगर आप मार्ग ढूंढेंगे तो कृष्णा विल शो हजार मार्ग। अगर हमारी इच्छा है ऐसे मार्ग को ढूंढने की जिससे कि हम भक्ति की साधना भक्ति कर पाए, तो कृष्ण हमें बहुत सारे मार्ग दिखाएंगे। तो हमारे पास चॉइस है कि हमें करना क्या है। सो मन कृष्ण निवेश, यही साधना भक्ति का क्या है, सार है। किसी न किसी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाना, ये साधना भक्ति का सार है। जब हम मौनिक राम करते हैं, जॉब करते हैं, मंदिर चला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, ये सब क्यों करना है, यानी भगवान को जरूरत नहीं इन सब कार्यों की। जब भगवान को जरूरत नहीं कि हम आरती उतार रहे हैं, भगवान को भोग लगाए, भगवान को जरूरत नहीं है, ये हम क्यों लगा रहे हैं, ये हम मन लगा रहे हैं हमारा। सो गुरु ने हमको ये सारे कार्य दिए हैं, कलेक्शन करो, ये न किन प्रकार ने आप भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ मन लगेगा। एक्चुअली तो कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है ये पूछते हुए, जो कार्य कृष्ण के लिए है कृष्ण को संतुष्ट कर रहा है ये पूछते हुए हमें करना है। तो स्नान करते हैं क्यों करते हैं, फॉर कृष्ण, है ना, एक क्लीननेस के लिए। जब क्यों करते हैं, कृष्ण के लिए। ये हमेशा भावना हमें होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी ही साधना भक्ति हमें भाव भक्ति और प्रेम के स्तर तक पहुंचाएगी। अगर हम यांत्रिक रूप से कोई साधना करते हैं तो भाव भक्ति में कन्वर्ट नहीं होगी, हम ऐसे करते रहेंगे। तो कोई सरल कार्य है तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे कार्य करने हैं, ऐसी भावना लानी है कि हमें उसमें कृष्ण को हम मन को लगा सकें। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु इसी के सेकंड पैराग्राफ में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रमाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि तुरंत कृष्ण से जा मिलता है, यही साधना भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य ये न किन प्रकार अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है, परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए अपने मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी स्तर से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रकृति करेगा। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दो उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सरल उपाय है साधना भक्ति करना। क्या पहला क्या करना है, चैंट हरे कृष्ण मंत्र करो, जब करो अपने मन को भगवान में लगा सकते। और दूसरा क्या है, जैसे प्रकार अम्बरीश महाराज ने किया, मन को लगाया मतलब इंद्रियां अपने आप क्या है, भगवान की सेवा में लग रही हैं। तो ये बहुत ही सरल उपाय जो साधना भक्ति के दो भाग हैं वो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। इसके बाद रूप गोस्वामी पांचवें श्लोक में बता रहे हैं कि साधना भक्ति भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, वेदी रागानुगाचेति साद्विधा सदनाभिधा। किस दो प्रकार की भक्ति है, कौन कौन सी, एक है साधना भक्ति की दो भाग की ऐसा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है, इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है, इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। तो जैसे फौज में होता है ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन मिली, एनी क्वेश्चन, नो सर, यस सर, कोई इंस्ट्रक्शन मिली, यस सर, तो उसी प्रकार साधना भक्ति मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन मिली, यस हमें उसको फॉलो करना है। तो इससे इनकार होने से प्रश्न ही नहीं उठता, अगर गुरु ने आदेश दिया है को मौनिपुरम करना है तो करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें मौनिपुरम करना ही करना है। तो ये क्या है, ये वेदी भक्ति कहलाती है। और दूसरा है, इससे बिना तर्क के करना पड़ता है, कोई तर्क नहीं करना है इसमें हम। और दूसरा है रागानुगा भक्ति, तो रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति
कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणार्थ भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जाता है, प्रारंभ में वह उसे वैसे ही करता है, लेकिन जब उसे अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वो स्वतः ही उठता है, स्वतः ही अर्चना को सजाता है, अपने भाव से अपनी फीलिंग से उसके अंदर वो क्या रुचि आती है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है किंतु यह प्रेममय सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्ति होती है। इस तरह साधन भक्ति के दो भागों में भक्त की जा सकती है, वेदी और रागानुगा भक्ति। तो वेदी भक्ति क्या होती है कि जो गुरु और शास्त्र के द्वारा स्फूर्ति लाती है हमारे मन में, मतलब गुरु और शास्त्र आदेश देते हैं तब हम भक्ति करते हैं, तो वैदिक भक्ति है। मतलब अगर अपनी भाषा में बात करें तो जिसमें हमारा मन नहीं लगता है जिन कार्यों में, उस कार्यों को गुरु और शास्त्रों के अनुसार आज्ञा का पालन करके करना, वो वैदिक साधना भक्ति है। और रागानुगा भक्ति क्या है, स्वतः स्फूर्ति, हमारे अंदर खुद रुचि आती है, खुद इंटरेस्ट आता है उन कार्यों करने का, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे कर रहे हैं, विधि विधानों से कर रहे हैं। उसमें दिया प्रपाल लिख रहे हैं कि रागानुगा भक्ति करता है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए, तो ऐसा नहीं रागानुगा भक्ति में विधि विधान नहीं है, उसमें विधि विधान है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें हमारे अंदर स्वतः स्फूर्ति आती है, स्वतः इंटरेस्ट आता है कि नहीं भगवान को भोग लगाना है, भगवान का श्रृंगार करना है, खुद ही मन लग रहा है, रुचि आ गई उसमें। तो रागानुगा भक्ति पर विधि विधान चालू रखते हैं। तो ऐसी साधना व्यक्ति की व्याख्या जो है अभी होगी, दो भक्ति हो गई, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं किसका करेंगे, वैदिक साधना भक्ति का डिस्कशन करेंगे, और फिर आगे जाके रागानुगा साधना भक्ति का भी डिस्कशन हम करेंगे। तो तत्र वैदी, रूप गोस्वामी वैदिक साधना भक्ति की परिभाषा देते हैं, यत्र रागानुवाप्रपात प्रवृतिर उपजायते सासानेयाय शास्त्रेस्य सवैदी भक्तिरुच्यते। तो वैदी भक्ति, इससे प्रभुपाद जी छठवें श्लोक है ये, और दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदी भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती है और मनुष्य गुरु के आदेश पालन के मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदी भक्ति कहलाती है। तो अनैच्छिक सेवा मतलब हमारी कोई इच्छा नहीं है करने की, लेकिन क्योंकि गुरु ने बोला है, हमारे अथॉरिटीज ने बोला है ये कार्य करने के लिए, तो हम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारा चैंटिंग करने मन नहीं लगता है, जब करने मन नहीं लगता है ना, लेकिन फिर भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गुरु का आदेश है। तो ये क्या है, वैदी साधना भक्ति हम कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कहाँ फंस गए, क्या करा दिया, है ना, कभी कभी लगता है कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं प्रभु सब कुछ अच्छा है इसको उनके अंदर, है ना, मंदिर अच्छा है, प्रसाद सब कुछ है, लेकिन एक बात जो है ना, एक बात जब आप पूछते हो माला कैसी चल रही है, बस वही चीज ठीक नहीं है ना। जब भी हम किसी भक्त से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, माला कैसी चल रही है, कितनी माला करते हो, तो लोग रिटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति इसी पर आधारित है ना, मन लग रहा है नहीं लग रहा हमारा, तो हमारा मन नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं इस कार्य को, तो इसी को हम वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। मतलब अनैच्छिक, अपनी इच्छा ना होने के बावजूद भी इस कार्य को करना, दैट इज वैदिक साधना भक्ति। तो इसका प्रमाण पहले बताते हैं फिर प्रमाण देते हैं, जैसे रूप गोस्वामी ने डेफिनेशन दी, अब क्या प्रमाण देंगे, रेफरेंस देंगे इसका, और रेफरेंस दे रहे हैं इसका प्रमाण कैसे, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के पांचवें श्लोक में प्रपाद जी सॉरी और कहा गया है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च शताभयम्। कि भरतवंशी जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उस भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले। तो अगर हम इन कष्टों से भय मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए जो परम नियंता है और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सारांश में दे रहे हैं। तो इसमें चार शब्द आए हैं, पहला है सर्वात्मा। सर्वात्मा मतलब सबके हृदय में स्थित है भगवान। भगवान क्या करते हैं, सब हर व्यक्ति के हृदय में पूर्ण रूपेण स्थित हैं। और दूसरा है भगवान। भगवान मतलब सड ऐश्वर्य,
उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, तो उनसे आकर्षण ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हर व्यक्ति उनसे आकर्षित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास छोटा सा भी ऐश्वर्य होता है, कोई सुंदर है, कोई धन है, तो हर व्यक्ति उससे क्या है, आकर्षित होता है। तो भगवान के पास तो सारे ऐश्वर्य, तो हर व्यक्ति उनसे आकर्षित होना ही होना है। ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, मतलब वो मृत्यु के नियंत्रक हैं, हमारी मृत्यु को रोक सकते हैं वो। और हरि, हरि मतलब सर्व अमंगल हरे, उसको कहते हैं हरि, मतलब जितने भी अमंगल है हमारे जीवन में, हर चीज को भगवान हरने वाले हैं। तो इनका श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, ये सजेशन नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, इनका हमें श्रवण कीर्तन करना है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो लास्ट पैराग्राफ है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसलिए संतुष्टि करते कि मनुष्य सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए, ये वह यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर किसका श्रवण कीर्तन करना है, हमें कृष्ण का करना है ना। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण का श्रवण भी करते करना है, किसी देवी देवता का हमें नहीं करना है। और इसके बाद जो हमने चार चीज बताई, प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगले 23 नंबर पेज पर, पहले पैराग्राफ में, 23 नंबर पेज पर पहले पैराग्राफ की जो अंतिम लाइन है, 5 लाइन भगवद गीता में कहा गया है, 7वीं लाइन है भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता, और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक रही है ना। सो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसका कभी विनाश नहीं होता, भगवान ये आश्वासन भगवता के अंदर देते हैं। और जो व्यक्ति इस सुनहरे अवसर को खो देता है ना, इस सुनहरे अवसर को खो देता है, वो क्या करता है, माया द्वारा उसको फेंका दिया जाता है, कभी इस योनि में कभी उस शरीर में माया द्वारा वो फेंक दिया जाता है। सो ये है सेकंड कैंटो से प्रमाण यहाँ पर रूप गोस्वामी दे रहे हैं। उसके बाद पद्म पुराण का प्रमाण जो है प्रभुपाद जी 8वें श्लोक में दे रहे हैं, जो लास्ट पैराग्राफ है 23 नंबर पेज का, जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, पद्म पुराण में भी इस विधि की सलाह दी गई है। तो पद्म पुराण में बताया गया है, स्मर्तव्य सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जितु चित सर्वे विधि निषेधाश्योर एतयोर एव किंकरः। इसका बताया गया है कि सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करें, यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्कृति क्या, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा विष्णु के स्वरूप पर स्थित रखे और क्षण भर भी ना भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। तो ये साधना भक्ति का सार है ना, मन लगाना कृष्ण में, अपने मन को कृष्ण में स्थिर करना चाहिए, यही क्या है, इस स्थिति का सार है। इसके बाद पेज नंबर 24 पर जो 7th लाइन है उसमें बताया गया, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब ये आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं, है ना। तो हर चीज में, हर कार्य में हमें भगवान का स्मरण करना है। हम मंदिर चप्पल बाहर उतार के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें भी हमें भगवान का चिंतन करना है, भूलना नहीं है। महाप्रसाद प्रार्थना क्यों कर रहे हैं हम उसमें, क्योंकि हम भगवान का चिंतन कर पाए। गुंडीचा मार्जन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम भगवान का चिंतन कर पाए। एक बार एक सन्यासी आए और उन्होंने भागवतम क्लास ली, और उन्होंने भक्तों से पूछा कि हम लोग रथ यात्रा क्यों करते हैं, आप में से कोई बताएगा हम रथ यात्रा क्यों करते हैं, रथ यात्रा उत्सव मनाते हैं हम ना, वो क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं रथ यात्रा, क्यों निकालते हैं भगवान का रथ। प्रभु जी पहले अलाउ नहीं था उनको,
बाहर के भक्तों को उसमें प्रवेश करने मंदिर में। प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ यात्रा इसलिए निकाली कि सब भक्त लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके, इसलिए रथ। और कोई स्नेहमयी माता जी अपनी सुकृतियों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है कि अगर हम दर्शन करते हैं तो हमारी पाप दूर हो जाते हैं। दूसरा, जैसे भी रथ यात्रा हुई थी, जैसे अभी हमने पीछे जो शोभा यात्रा निकाला था, तो उस दिन बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी भक्त जो है वो पूरा टाइम चैंटिंग करते हुए नाचते हुए जा रहे थे। तो वो पूरा दिन जो है ना, मतलब जो भी थे उसमें, तो वो कृष्ण का स्मरण करते रहे थे। तो कम से कम एक दिन जैसे तो लगा कि हाँ, पूरा दिन आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, उनका स्मरण कर रहे हो उनका। और जो बाकी लोग हैं जो मंदिर नहीं आते हैं, तो उनको भी मौका मिल जाता है, वो भी निकल निकल के बाहर जो है हरिनाम सुन रहे थे, ले रहे थे मुख से, तो उनकी भी कहीं ना कहीं उनका भी ज्ञान सीखते हैं बढ़ती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हमें जैसे ना सुना है तो जगन्नाथ जी को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए, उनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप है ना मंदिर से आके मेरे हृदय में स्थापित कीजिए उनको, हम रस्सियों के द्वारा हम लोग वो करते हैं, खींचते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे हृदय में, हम लोग सिंह भी करते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावत में, कि आप हमारे नैनों के रस्ते से आप हमारे हृदय में आप आइए, ये हमारा भाव होना चाहिए जगन्नाथ जी। महाराज को ये सब आंसर दिए गए और महाराज ने क्या बोला कि एक ही कारण है कि कृष्ण का स्मरण करने के लिए, है ना। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं कृष्ण भावत में, किसके लिए कर रहे हैं कि हमें कृष्ण का स्मरण हो, खाली रथयात्रा निकालना है चाहे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, किसके लिए, कृष्ण का स्मरण करने के लिए। अगर कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि पूरी जगन्नाथ यात्रा निकाल ली, सारी एक्टिविटी कर ली, ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ, परफेक्ट हुई रथ यात्रा, लेकिन उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला कर्तव्य क्या है, कृष्ण को हमेशा याद रखें और कृष्ण को कभी ना भूलें। तो अगर हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होगा उस एक्टिविटी में, तो क्या होगा, वो भक्ति नहीं होगा, वो क्या होगा, अज्ञात सुकृति होगा फल, और जो आगे कभी जाके वास्तविक फल उसको हमें मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वर्ण आश्रम के बारे में, प्रभु गोस्वामी बताते हैं, इति आसो स्याद् विधेर नित्या सर्व वर्णाश्रम दिशु नित्यते पि अस्य निर्तिताम एकादशी आदित्य फलम। तो इसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आगे पढ़िए, सभी विधि विधानों का यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण चार हैं, ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी चार हैं, ब्रह्मचर्य, व्रत, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन करने के लिए है, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है। चाहे कोई नौसिखिया, ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जितने भी आश्रम है ना, ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों के लिए, ये क्या है, सभी आश्रमों के लिए, चाहे कोई नौसके ब्रह्मचारी हो, अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इसमें कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना, एक क्षण के लिए विस्मृत न करना, यह नियम हर एक के लिए आवश्यक है। तो जो भी वर्णाश्रम है, इसका उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना है। यहाँ पर ये प्रभुपाद गोस्वामी लिख रहे हैं, और इसको फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उद्धव के श्री कृष्ण स्वयं, सॉरी चमस जो मुनि है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2nd दूसरे श्लोक में, इसका तीसरे पैराग्राफ में इसका अनुवाद प्रभुपाद जी लिखते हैं। श्री चमस उवाच, मुख बाहु रूप आदेव्य पुरुषस्याश्रम सह चत्वारो जजीरेव वर्णा गुणेर विपादाय पृथक। तो
इसमें बताया गया है कि जो राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए नौ मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विभिन्न अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण सिर से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले हैं। उसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से और ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये वर्णन बताकर यहाँ पर गोस्वामी क्या है, समाज को स्थिति स्थित करना चाह रहे हैं, है ना, कि जब सब लोग अपनी अपनी जगह स्थित रहेंगे, है ना, सर की जगह पर सर रहेगा, पैर की जगह पर पैर रहेंगे, हाथ की जगह पर हाथ रहेंगे, कमर की जगह पर कमर रहेगा, तो क्या होगा, ये सारा संसार सही तरह से चल पाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बताई गई है। एक बार श्री प्रभुपाद जब फॉरेन गए तो किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। प्रभुपाद ने कहा, टू गिव ब्रेन टू अवर सोसाइटी, है ना, मैं आपके सोसाइटी को, आपके समाज को ब्रेन, दिमाग देने आया हूँ। आपकी समाज सोसाइटी में क्या है, दिमाग नहीं है। तो उसी प्रकार जो हर वर्ण आश्रम का अलग अलग रोल है, जिस प्रकार जो ब्राह्मण है उनका भी काम क्या है, ज्ञान देना, उसी प्रकार सन्यासी है उनका भी काम क्या है, मार्गदर्शन देना, और जो क्षत्रिय है उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, उसी प्रकार जो वानप्रस्थी है उनका भी काम है प्रोटेक्शन देना, और जो वैश्य है उनका काम क्या है, पोषण करना, है ना, चारों आश्रमों का पोषण करना, व्यापार करना। उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का कार्य क्या है, पोषण करना। तीनों आश्रमों का पोषण किसके द्वारा किया जाता है, गृहस्थ आश्रम के द्वारा, क्योंकि बाकी न ब्रह्मचारी न सन्यासी न वानप्रस्थी कोई जॉब कुछ नहीं करते, केवल क्या करता है, गृहस्थ आश्रम तीनों का पोषण करता है। ब्रह्मचारी का काम क्या है, सेवा करना, गुरु की सेवा करना ब्रह्मचारी का कार्य है। तो इनकी तुलना कैसे की गई है, सन्यासी मतलब सर, वानप्रस्थ मतलब जो भुजाएं, पेट, गृहस्थ और ब्रह्मचारी चरण। इस तरह हर वर्ण आश्रम को विभाजन किया गया है और हर चीज की समाज के लिए आवश्यकता है। अगर किसी चीज की कमी है, मान लो हेड नहीं है तो क्या है, हमको सोच ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाएंगे। पेट नहीं है तो हमारा पेट पूजा नहीं हो पाएगी। अगर चरण नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो फिर इस समाज की स्थिति बहुत बुरी भयानक हो सकती है। तो इसीलिए ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए, सन्यासी भी चाहिए, है ना, ब्रह्मचारी भी चाहिए, गृहस्थ भी चाहिए और वानप्रस्थ भी चाहिए। ये समाज की नीड है, तब वो सुव्यवस्थित समाज चल पाएगा। ये चमन ऋषि यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो इसमें बताया गया है, यह ऐशा पुरुषम साक्षादात्म प्रभीशरम न भजन्त्यत्व जानन्ति स्नानात् भ्रष्टा पत्यन्तः। यदि चारों वर्णों तथा आश्रमों का कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, तो वे अपने पद से गिरकर नारकीय दशा को प्राप्त होगा। तो अगर इन सारे वर्णों में से, सारे आश्रमों में से अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का, अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से ड्यूटीज का पालन नहीं करता, तो क्या होगा, उसको नार की दशा प्राप्त होगी। और इसका अनुवाद है प्रभुपाद जी जो 25वें पेज पर जो पांचवी लाइन है उसमें दे रहे हैं और लिख रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। दो ऑप्शन है, या तो जिस वर्ण आश्रम में हम हैं उसके हिसाब से भगवान की सेवा करें, भगवान को संतुष्ट करें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उस पद से नीचे गिरना हमारा तय है, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, बीच में नहीं रह सकते हम। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी डिटेल में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उनके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो आगे पैराग्राफ पढ़िए, उदाहरणार्थ।
हरे कृष्ण धारणता भगवान के ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश न दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ब्राह्मणों के कार्य बताए गए हैं, कृपा जी ब्राह्मणों के कार्य बता रहे हैं। और जैसे बताया गया भगवान गीता में कहते हैं कि जो भगवान किसके मुख से खाते हैं, ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। लेकिन प्रपाल जी एक चीज यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के मुख से खाने का मतलब खाली निमित्त भोजन करना ही नहीं है, है ना। तो उसके साथ साथ क्या करना है, संसार को भगवद गीता का उपदेश भी देना है। तो ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तो अगर हमें मौका मिले कभी भी ब्राह्मण भोज कराने का तो हमें किसको इन्वाइट करना चाहिए, वैष्णवों को। वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं जो उस भगवद भक्ति का प्रचार करते हैं, तो वो वैष्णव सर्वश्रेष्ठ हैं, चाहे भले ही वो किसी भी जाति के हैं। इसका उदाहरण चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि जो अद्वैत आचार्य हैं तो अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने को ब्राह्मण को बुलाना था, उनको ब्राह्मणों को बुलाना था, तो उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ क्या किया कि जो हरिदास ठाकुर हैं जो मुस्लिम परिवार से हैं लेकिन वैष्णव है, उनको भी इन्वाइट कर लिया ब्राह्मणों के साथ। और जब ब्राह्मणों ने सुना कि अद्वैत आचार्य ने क्या किया है, हमारे साथ साथ ये मुस्लिम को ही बुला लिया है, ये तो हमारा अपमान है, तो कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा। सबों ने क्या किया, मीटिंग की, और कोई ब्राह्मण उस दिन वहां पर नहीं गया, केवल हरिदास ठाकुर पहुंचे। तो क्या हुआ वो उस दिन परिणाम कि जब ब्राह्मण उस दिन प्रसाद पाने के लिए अद्वैत आचार्य के नहीं पहुंचे, उस दिन पूरे दिन आंधी तूफान आता रहा और उनके घर में चूल्हा ही नहीं जल पाया। आंधी तूफान आएगा तो चूल्हा जलेगा ही नहीं, बारिश हो रही है, तो पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, भूखे रहे। और अगले दिन उन्हें रिलाइज हुआ अपनी गलती का और फिर से जाकर उन्होंने अद्वैत आचार्य यहाँ प्रसाद पाया, तब जाके उस कष्ट से बाहर आए। तो इन चीजों से हमें सीखना चाहिए कि जो ब्राह्मण है उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, वैष्णव जन है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो विष्णु के उपासक हैं, जो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, भले ही वो जन्म से ब्राह्मण ना भी हो तो भी वो ब्राह्मणों से ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं। तो अगर हमें कभी भी मौका मिले ऐसे वैष्णवों को अपने घर पर इन्वाइट करना चाहिए। और जब हम इस्कॉन में आते हैं, जब हमारे कम्युनिटी बनती है, तो हमें पता भी नहीं होता कि कौन व्यक्ति किस बाय बर्थ कौन सी जाति से है, कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, कुछ पता ही नहीं होता। कुछ सरनेम किसी ने पूछा आपसे इस्कॉन में कि आप कौन सी जाति के हो, तो आपको उसी के हिसाब से सेवा मिलेगी यहाँ पर, नहीं पूछा जाता। जैसी आपकी रुचि है, आप वैष्णव हो, आप ब्राह्मण क्षत्रिय इन सब पदों से ऊपर हो। इसके बाद अगले पैराग्राफ पढ़िए, क्षत्रियों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस रहे क्षत्रियों को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरण, जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उसे काले पुरुष को जिसका नाम कली था मारना चाहा। यह क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता के संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। वैश्यों का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना, उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मणों क्षत्रियों अथवा वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक
श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधःपतन हो जाएगा। इस कलह के युग कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है, किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतएव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन सारे मानव समाज की सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावना अमृत विकसित करके लाभ उठाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्षत्रिय के बारे में बता रहे हैं। पहले क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनका कार्य क्या है। तो क्षत्रिय का कार्य क्या है, लोगों की रक्षा करना। जिस प्रकार प्रभुपाद जी धारण है परीक्षित महाराज का, कि उनके समाज में कोई भी ऐसा पीड़ाहारी कार्य नहीं होता था, वो हमेशा प्रोटेक्शन देते थे। और उन्होंने जब एक बार देखा कि काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, तुरंत उसको मारने के लिए परीक्षित महाराज दौड़ पड़े। तो ये एक क्षत्रियों का कार्य है, टू प्रोटेक्ट, है ना, कि सुरक्षा प्रदान करना। अगर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है तो वास्तव में वो क्षत्रिय नहीं है। क्यों? और संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या हिंसा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। अगर आप किसी को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हो तो हिंसा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार इस समाज में पुलिस जो है सुरक्षा प्रदान करती है हमको, जो डिफेंस है वो भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है, आर्मी वगैरह है, तो वो हिंसा करती है, है ना। बिना हिंसा की हमें सुरक्षा प्रदान की ही नहीं जा सकती। अब पुलिस को थोड़ी ना वो चोर के सामने जाएगी, हाथ जोड़ेगी, पैर जोड़ेगी, प्लीज इसको मत मारो, चोरी मत करो, ऐसा बोलेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा। तो उसे एक्शन लेना पड़ता है, रिवॉल्वर गोली भी चलानी पड़ती है, डंडा भी मारना पड़ता है। तो हिंसा के बिना सुरक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इस प्रकार अर्जुन ने भी हिंसा की थी। और वैश्य का अर्थ है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना, उसका वितरण करना, मतलब पालन पोषण करना, धन कमाना, और उससे हर व्यक्ति का तीनों आश्रमों का पालन पोषण करना। श्रमिक वर्ग शुद्ध वर्ग है, जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्गों की सहायता अपने शरीर से करते हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। साथ साथ कार्य करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी भगवान की सेवा करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है, किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पदविहीन होते हैं, ये भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि ये वे कृष्ण भावनावित नहीं होते। अतः कृष्ण भावनावित आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति बनाने का निमित्त है, इससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनावित इसका लाभ उठाए। तो केवल हमें कभी घमंड नहीं करना है, कभी गर्वित नहीं होना है कि ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं जाट हूँ, ये हूँ, ये सब नहीं है। ये सब क्या है, सब बेकार की चीज है। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके हैं, लेकिन जो भगवान के संपर्क में आता है वो इन सारी उपाधियों से अलग रहता है और भगवान की सेवा करता है, जिससे कि हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावना में का विकसित करके लाभ उठाए। उसका एक ही मकसद रहता है कि अपने जीवन में वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ऐसा बहुत जरूरी है। इसके बाद यहां तक किसी को प्रश्न है तो वर्णाश्रम का उद्देश्य भी क्या है, भगवान की भक्ति में लगना, भगवान किन प्रकार भगवान की सेवा में मन को भगवान की सेवा में लगाना, कृष्ण को संतुष्ट करना। सारे वर्णाश्रम का जो उद्देश्य क्या है, कृष्ण को संतुष्ट करना। किसी का प्रश्न है यहां तक कोई? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। पैराग्राफ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया है। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है, और इस पुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे
और कृष्ण भावनामृत में रत रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी भगवान को संतुष्ट करने के दो परिणाम बता रहे हैं। अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो उसके दो परिणाम होंगे हमारे जीवन में। क्या क्या परिणाम होंगे बताइए। प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ में लिखा है, सारा समाज बिना किसी कठिनाई के आसानी से व्यवस्थित हो जाएगा। कहाँ लिखा है प्रभु जी? तीसरी लाइन है, इस दृष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाल्य में प्राप्त कर सकता। आपने पहले कुछ और बोला था, तो जितनी भी आवश्यकता है हमारी, इतनी बाहुल्य में सारी आवश्यकताएं कैसे बाहुल्य में प्राप्त कर सकते हैं हम, जितनी आवश्यकता है हमारी। तो ये पहला परिणाम है अगर हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो। दूसरा परिणाम क्या होगा? शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे। हाँ, दूसरा परिणाम क्या होगा कि जीवन में हर समाज में ना, जिसके लिए हम कितनी सारी मीटिंग्स बिठाते हैं, है ना, यूएनओ की मीटिंग है, यूएन बना रखा है, यूनाइटेड नेशन बना रखा है, मीटिंग में मीटिंग होती है, सारे उपदेशों का पालन किया जाता है, लेकिन फिर भी शांति सुख नहीं आ पाता, देश आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं सब लोग साथ में मिलकर, तो क्या होगा, समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुखपूर्वक रह सकेंगे। तो ये दो परिणाम होंगे सभी को, सभी की जो आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी हो जाएंगी और शांति और सुखपूर्वक हर व्यक्ति रह पाएगा। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी अगर अमेरिका में सब ऐसे ही सब भक्ति बन जाएंगे तो अमेरिका क्या होगा, है ना, कौन चलाएगा इसको फिर? अगर सब लोग आप जैसे भक्त बन जाएंगे, हरे कृष्णा करते रहेंगे, तो फिर अमेरिका का क्या होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। अगर सभी भक्त बन जाएंगे तो बहुत सुख पूर्वक अपने आनंद जिएंगे और वेल्दी भी रहेंगे। देयर विल बी नो मोर हिप्पीज। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि उसके बाद कोई हिप्पीज नहीं बनेगा और दे बिकम हैप्पीज, वो हैप्पीज बन जाएंगे, है ना। और देन प्रभुपाद फिर और आगे कहते हैं, The होल वर्ल्ड कन्वर्ट इंटू वैकुंठ। अगर हर व्यक्ति भक्त बन जाएगा तो क्या होगा, ये संसार क्या बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। अगर हर व्यक्ति भक्त बन जाएगा तो ये संसार क्या बन जाएगा, फिर वैकुंठ बन जाएगा। तो किसी को फिर भगवत धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर हर व्यक्ति सुख पूर्वक भगवान की सेवा कर सकता है। तो ये क्षमता है इस साधना भक्ति में, ये क्षमता है भगवान को संतुष्ट करने में, ये क्षमता है इस पुस्तक में। इस पुस्तक का अगर कोई व्यक्ति अध्ययन करता है और अपने जीवन में अप्लाई करता है, दूसरों को प्रचार करता है, तो क्या कर सकते हैं, पूरा संसार वैकुंठ बन सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो हमारे मंदिरों में सभी भक्त के हरे कृष्ण चैंटिंग करते रहते हैं, जप इत्यादि श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, उसके बावजूद ही हमारे मंदिर में 25 कार है, 60 टू व्हीलर है, है ना, महीने का बिल 15 लाख रुपए का आता है, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 15 लाख का है, सिक्योरिटी बिल 8 लाख रुपए का है, और ये कोई गधे जैसे मेहनत नहीं करते हैं, स्टिल सारा धन क्या है, आ रहा है ना। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, तो अपने आप धन क्या है, भगवान भेजेंगे सेवा के लिए, अपने आप आएगा। कई बार जो मंदिर के जो नेबर है ना, जो पड़ोसी होते हैं, उनको जलन होती है कि ये भक्त कुछ करते नहीं, सुबह से शाम तक कीर्तन हरे कृष्ण करते रहते हैं, और इनका जो अपलायंस है, जो इनका ऐश्वर्य है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, बढ़ती जा रही है ना। अभी पंजाब में हमने बगल का प्लॉट एक और खरीद लिया, है ना, और बड़ी बड़ी गाड़ियां स्कॉर्पियो से लोग चलते हैं जो भक्त हैं, है ना। तो उनको इनसिक्योरिटी होती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ इतनी मेहनत के बाद हमें इतना धन नहीं मिल रहा जितना इनको बिना मेहनत के मिल रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप भी आ जाओ, आपको किसने रोका है, आप भी भक्त बन जाओ, लेकिन वो ऐसा कभी करते नहीं है, कभी नहीं आते।
एक बार प्रभुपाद से पूछा गया कि अगर हर व्यक्ति कृष्ण भावना हो जाएगा, हर व्यक्ति भक्त बन जाएगा, तो इस संसार को कौन चलाएगा फिर? इस संसार को हम लोग चला रहे हैं ना, भक्त तो नहीं चला रहे, भक्त बेचारा अपने हरे कृष्ण कीर्तन लगे हुए हैं। तो अगर व्यक्ति का, इस संसार का हर व्यक्ति भक्त बन जाएगा, इस संसार को कौन चलाएगा प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने आंसर दिया, ये समाज चलाना ही क्यों है, है ना? चलाने की आवश्यकता ही क्या है, चलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो अगर जेल कोई कहे ना कि जेल खाली हो जाएगा, सब लोग कैदी निकल जाएंगे, तो जेल कैसे चलेगा फिर? तो जेल में कैदी रखने की आवश्यकता ही क्या है? अगर हर व्यक्ति सुधर गया तो जेल बनाने की आवश्यकता ही नहीं, अच्छी बात है। तो उसी प्रकार इस संसार के सब व्यक्ति भगवान के भक्त बन गए, जो इसका उद्देश्य है, तो फिर संसार को चलाने की आवश्यकता ही नहीं। हर व्यक्ति वैकुंठ चला जाएगा, संसार बंद करना पड़ेगा, इस भौतिक संसार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने पड़ेंगे। तो रिपोर्टर जो था वो थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने दोबारा पूछा, बट स्वामी जी फिर भी संसार कैसे चलेगा? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, फिर चिंता मत करो, है ना, तुम्हारे जैसे कुछ गधे रहेंगे जो कभी भक्ति नहीं करेंगे, वो इस संसार को चलाएंगे, है ना। तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि हर व्यक्ति भगवान का भक्त बनेगा, तो कुछ लोग यहाँ पर बेवकूफ रहेंगे जो इस संसार को चलाना चाहेंगे और दुनिया चलती रहेगी। तो कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि हम कितना कभी कभी मेहनत करते हैं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, है ना, कि हमें अच्छा ये गाड़ी खरीदनी है, इसके लिए इतनी मेहनत करनी है, अपने बच्चों को वहां पढ़ाना है, उसके लिए मेहनत करनी है, एक सुंदर सा अच्छा सा घर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है। तो कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि क्या उतनी मात्रा में हम भगवान की भक्ति में दृढ़ होने के लिए मेहनत कर रहे हैं जितना हम सुख सुविधाओं के लिए कर रहे हैं। सुख सुविधा तो फॉलो करेगी अपने आप, मटेरियल वेल्थ फॉलोज स्पिरिचुअल वेल्थ। जितना हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तो सुख सुविधा अपने आप आपके पास आएंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कुछ काम धंधा नहीं करना है, लेकिन डू द नीडफुल, जितना नीडफुल है उतना ही हमें करना है, ज्यादा सुख सुविधाओं के पीछे भागना नहीं है। बाकी हमें समय किसमें लगाना है, भक्ति में दृढ़ होने में। तो इसीलिए हमें विश्वास होना चाहिए। तो जो परिणाम कृष्ण को संतुष्ट करने के यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं कि सारी चीजें हमारे पास आएंगी आवश्यकताएं, और दूसरा सब व्यक्ति सुख पूर्वक जिएंगे, तो क्या हमारा इन इंस्ट्रक्शन में विश्वास है? क्या हमें विश्वास है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी करेंगे हमारी, या पूरा जीवन समाज जो है सही हो जाएगा? तो ये अनुभव की बात है, जब हम भक्ति करते हैं तो ये फीलिंग्स, ये हमारे रिलेशन होते हैं, कुछ चीजें हमारी पूरी हो जाती है, हमने मतलब हमारी इच्छा होती है या हम भगवान से नहीं मांगते, लेकिन फिर भी वो चीज हमारे जीवन में आ जाती है, हमारी आवश्यकताएं पूरी भगवान कर देते हैं। तो ये अनुभव है, हम कर सकते हैं। अभी उद्धव को कृष्ण बताते हैं आगे अगले पैराग्राफ में, 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 49वें श्लोक में, एवं क्रिया योग पथे पुमान वेदक तांत्रिक अर्चन भयतः सिद्धिम मत्तो विन्दत्य भीप्सिताम। तो दूसरा पैराग्राफ पढ़िए इसका, श्रीमद् भागवतम में पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत में ही 11.27.49 में श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे वचन कहे हैं, वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, ये कार्य चाहे शास्त्रानुमोदित हो या सामान्य संसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फल स्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, तो वे स्वतः ही इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं, इनमें कोई संशय नहीं है। किशन के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में किए गए कार्यों में से प्रत्येक मनुष्य को की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिख रहे हैं, और अगर आपसे कोई पूछता है फ्यूचर में तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वहां पर जॉब कर रहा है, तो उससे अगर कोई पूछे कि ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है इंजीनियरिंग में काम करना ही भक्ति का अंग हो गया, ये कौन से शास्त्र में लिखा है, वो भक्ति अंग कैसे हो गया? तो भक्ति नहीं हुई,
यहाँ पर रूप गोस्वामी उसको क्लियर कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं रूप गोस्वामी कि हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, हर व्यक्ति अपना कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना में थोड़ा मेरी पूजा करते हैं। अगर हर कार्य में उन्होंने कृष्ण को सेंटर में रखा हुआ है, कृष्ण को केंद्र में रखा हुआ है, तो स्वतः इस जगत में और परलोक में सुख पूर्वक रहते हैं। तो इस जगत में सुख पूर्वक रहेंगे या परलोक में भी सुख पूर्वक रहेंगे। कि इससे पहले की जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो क्या कह रहे हैं, ये कार्य चाहे शास्त्रोन्मोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यहां पर क्लियर कर दिया। तो कोई भी कार्य, चाहे शास्त्र में उस कार्य का वर्णन किया है, साधना भक्ति का अंग है या नहीं है, चाहे कोई सामान्य कार्य भी है, लेकिन अगर उस कार्य को हम कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस कार्य को भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे लोग सुखपूर्वक इस संसार में रहेंगे और परलोक में जाकर सुंदर रहेंगे। तो अगर व्यक्ति कोई जॉब भी कर रहा है तो शास्त्र अनुमोदित नहीं है वो कार्य, लेकिन फिर भी अगर उसको भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है, तो वो भी कार्य, वो सामान्य कार्य भी क्या होगा, उसको सुख प्रदान करने वाला होगा, वो भक्ति का अंग कहलाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको याद कर सकते हैं। एवं क्रिया योग पथ है, कोई सामान्य कार्य अपमान या वैदिक तांत्रिक या वेदों का कुछ कार्य है, तो दोनों ही कार्य क्या है, भगवान की भक्ति में लगाए जा सकते। तो इसके बाद प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं, इसका सार दे रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ जो है इस चैप्टर का, तो पढ़िए लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार के शांत आंदोलन हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावनावित होकर अपने कर्मों के फल के भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्न में भक्ति के विद्वानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसका सार यहाँ पर दे रहे हैं कि कोई भी किसी भी वर्ण से है, किसी भी आश्रम से है, तो उसको कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस कार्य में वो व्यवसाय में लगा हुआ है, यही वेदी साधना भक्ति है कि उसे कृष्ण भावना होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करनी चाहिए। चाहे वो वैष्णव जो क्षत्रिय है तो भगवान की सेवा करे, ब्राह्मण है तो भगवान की सेवा करे, अगर धन उत्पादन कर रहा है तो उसको भगवान की सेवा में लगाए। तो कोई भी भगवान का कार्य कर रहा है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये उसका सार है। इसके बाद नारद पंचरात्र में बताया गया है, सौर से विहिता शास्त्रे हरिम उद्दिश्य या क्रिया सेव भक्तिर इति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत। तो ये 13वां श्लोक है, पहले विभाग का दूसरी लहरी का 13वां श्लोक है। यहाँ पर रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं। तो इसे बताया गया है कि शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, इसके संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के पद को प्राप्त करता है। तो गुरु के निर्देशन में अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, चाहे भले ही किसी आश्रम वर्ण में हो, इन गुरु ने आदेश दे दिया तो उसे भक्ति का सर फल मिलता है। जिस प्रकार हम जॉर्ज हैरिसन को देखते हैं, पहली बार वो प्रभुपाद से मिले तो बहुत आकर्षित हुए प्रभुपाद से, और उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि मैं भी फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी भगवान की सेवा के साथ फुल टाइम ऐसी सन्यासी वेश में
अपने सारे कार्यधार को छोड़कर करना चाहता हूँ। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने उनको मना किया कि नहीं नहीं आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर वेरी इफेक्टिव, है ना, आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है संसार में, तो आप वहीं रहकर उसी कार्य को करते हुए प्रचार करो, इससे आप ज्यादा लोगों को प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको संदेश दिया, आदेश दिया कि आप वहीं रहकर करो, कोई दिक्कत नहीं है, और गाने गाओ, कृष्ण को जोड़ो गानों में। और उसके बाद जॉर्ज हैरिसन ने जितने भी गाने गाए हैं, तो आप देखोगे उन्होंने क्या है, जितने भी सिद्धांत हैं, कृष्ण के कॉन्सेप्ट को जोड़ा है उनमें, कर्म के सिद्धांत को जोड़ा है, जितने भी गाने हैं, जिससे कि वो संसार को भगवान का नाम सुना पा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अंत में उनके जब वो शरीर छोड़ रहे होते हैं, तो साथ में उनके भक्त होते हैं, और जो श्याम सुंदर प्रभु हैं उनकी लास्ट में वो मदद भी कर रहे होते हैं। तो अगर सेवा की है तो उनकी संसिद्धि हो ही जाती है। तो अगर गुरु के आदेश को पालन हमने किया है, चाहे भले ही हमने कोई भी कार्य किया है, किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर किया है, तो निश्चित रूप से उसकी कृपा हमको मिलेगी ही मिलेगी। एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में एक डिवोटी ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको क्या बोला, नहीं आपको ब्रह्मचारी नहीं बनना है, आप एक काम करो, आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, वहां पर धनोज उत्पादन करो, और 50% धन आप मंदिर में दिया। तो उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया, कंपनी खोली, भगवान की कृपा से बहुत प्रॉफिट उसमें हुआ, और आज की डेट तक वो क्या करते हैं, अपने धन की आय का 50% वो भगवान की सेवा देते हैं, उनका प्रॉफिट करोड़ों में होता है महीने का, तो 50% आज भी वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं। सो अगर गुरु की आज्ञा पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन क्या है, सफल होगा, और वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त करता है। लेकिन ये सारे जो हमें कार्य करने हैं, ये ध्यान रखना है हमें गुरु की गाइडेंस में करने हैं, या गुरु के जो प्रतिनिधि हैं उनकी गाइडेंस में करने हैं, अपने मन से कोई विचार लाके, धारा लाके किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको भगवान की सेवा लगा सकता हूँ, नहीं। अगर गुरु आपके कह रहे हैं या कोई गुरु का प्रतिनिधि आपको कुछ आज्ञा देता है, उसकी आदेशानुसार अगर कोई कार्य करते हो, तो वो कार्य आपकी शुद्ध प्रेम भक्ति के पद तक पहुंचाएगा आप। अगर आप मन के हिसाब से कुछ करोगे, तो फिर वो कार्य आपके ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सार रूप में प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। तो हमने डिस्कस किया वैधि साधना भक्ति की परिभाषा पढ़ी, कि जो वैधि साधना भक्ति मतलब जो या तो गुरु के द्वारा हमें दी जाती है, या साधु के जो स्फूर्ति हमारे अंदर आती है उसको हम वैधि साधना भक्ति कहते हैं, और रागानुग भक्ति जो स्वतः स्फूर्ति होती है हमारे अंदर कार्य करने की, सेवा करने की, उसको हम रागानुग साधना भक्ति कहते हैं। तो इसका जो एसेंस है, सार क्या है वैधि साधना भक्ति का, कि कभी हमेशा कृष्ण को याद रखना, अपने मन को हमेशा कृष्ण में लगाना, और कृष्ण को कभी ना भूलना है। और इसके एविडेंस भगवान उद्धव को देते हैं, और चारों जो सोशल ऑर्डर्स हैं, जो वर्णाश्रम है या वर्ण है, चार आश्रम है, इसको इनका क्या मतलब है, टू सेटिस्फाई कृष्ण, है ना, भगवान को संतुष्टि प्रदान करना ये होता है। और अगर हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, और समस्त जगत क्या होगा, सुख में हो जाएगी। हरे कृष्ण। तो जब हम कृष्ण भावनात में आए थे, या कृष्णार्थ में जुड़े, इस मन में जुड़े, तो एक चीज थी जो हमें सबसे आकर्षित लगी। तो कोई बताना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहता है कि जब आप इस्कॉन से जुड़े तो क्या चीज सबसे ज्यादा आपको आकर्षित लगी, जिसके कारण आप उसका पालन करने लगे बाद में जाकर? कीर्तन, कीर्तन एक एक करके जी। सुकृति माता जी, कीर्तन और प्रसाद। कीर्तन और प्रसाद, ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। सबसे पहले गौर आरती अच्छा लगा था, जब सबसे पहले मैं टेम्पल जुड़ी थी, शाम को जो गौर आरती होता है मुझे बहुत अच्छी लगी। गौर आरती जैसे ना, जो नए लोग हैं वो शाम को कीर्तन में जाते हैं, और वहां पर इतने सुंदर तरीके से गौर आरती हुआ करती है, और इतने लोग नृत्य करते हैं, तो बहुत आकर्षित होते हैं वो। और कोई जी? सावित्री गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी एक ही चीज बतानी है। हाँ, एक ही चीज,
जो सबसे पहले जो आकर्षित किया आपको, सबसे पहले जो मुझे आकर्षित किया था वो प्रभुपाद जी की डेटीज थी। मैं उनको रियल मान बैठी थी और जब मैंने ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में देखा था तो मुझे नहीं पता था कि वो उनकी डेटीज है और मैं उनको ऐसा समझ रही थी कि वो समाधि में बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने प्रार्थना कर रही थी। फिर काफी टाइम में मतलब 15 मिनट के करीब मैं वहां पे खड़ी रही और लेकिन उनका कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ तो मैं घर गई। उसके बाद भी मुझे नहीं पता, मैं काफी देर उस मंदिर में टाइम स्पेंड किया, सारे कीर्तन खिचड़ी प्रसाद सब लेकर जब मैं घर गई तो मैंने अपने ब्रदर से डिस्कस किया जो मुझसे 2 साल छोटे हैं और वो भी अब पंजाबी बाग में भक्ति करने लग गया। तो उससे जब मैंने डिस्कस किया तो उसने मुझे बताया कि वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, वो तो उनकी मूर्ति है। तो फिर मुझे बड़ा ही मतलब लगा कि जिनकी मूर्ति इतनी रियल है इतने, तो वो खुद कैसे होंगे। तो मुझे क्यूरियोसिटी जागी कि मैं उनके बारे में रीड करूं। तो मैंने भागवत गीता के बैक पेज पे पढ़ना शुरू किया। तो वो फर्स्ट चीज मुझे भगवत गीता का उपदेश या ज्ञान मतलब बहुत अच्छा लगा जब मैं इसमें आई। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी इस कौन के मंदिर के जो विग्रह हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, तो पुष्पों से वो मालाएं पहन उनको बहुत मुझे आकर्षित किया। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए पूजा माता जी। प्रभु जी मुझे ना एस्कॉन में सबसे पहले मैं जब गई थी वहां पर सब बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे ऐसे लग रहा था ये कुछ मुझे अलग लगा, जो इस दुनिया से थोड़ा अलग लगा। मुझे ऐसे लगा कृष्ण से डायरेक्ट मीटिंग पे बैठे हुए हैं, तो ये चीज मुझे बहुत आकर्षित किया वहां पे। ठीक है, सावित्री गोपिका। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली प्रभु जी मैं अब्रॉड में गया था ऑन डेपोजिशन, तो वहाँ पे मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति पहले से बहुत सारे जो है क्वेश्चन होते थे। जैसे पहले बोलते थे भगवान ने ऐसे राज करा वैसे राज करा, इतनी रानियां हैं उतनी रानियां हैं, तो मेरे मन में ये सब संशय रहता था। जब मैं वहाँ पे उसमें मैंने वहाँ पे भक्तों का संग किया और क्लास में कुछ मेरे ये क्वेश्चन की क्वेरी जो है अपने आप से जो थी वो सॉल्व होने लगी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा कि मेरे अंदर जो संशय थे वो मेरे जो है ना क्वेश्चन का आंसर मिलने लगा मेरे को। तो बस ऐसे करते करते इसमें जुड़ गए और फिर उसके बाद में ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को अभी मैं कहूँ कि मेरे को विग्रह से बहुत प्रेम है नहीं है, मेरे को सेवा से बहुत प्रेम है नहीं है, लेकिन मेरे जब क्वेश्चनों का जो आंसर आने लगा तो फिर मेरे को इसमें अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। सावित्री गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं मंदिर से तो नहीं स्टार्टिंग में उतना जुड़ी थी, बट सेंटर से जहाँ पर हमारा सेंटर है वहां से मैं जुड़ी। मंदिर में हम लोग बहुत सालों पीछे तब सब सेंटर भी मंदिर है मतलब। हाँ जी, वो तब मंदिर के लिए उतना वर्ड यूज नहीं होता था इस्कॉन, तब सब हम लोग हरियाणा से थे तो अंग्रेजों वाला मंदिर इस तरह का वर्ड यूज होता था। बाद में जाकर के हरे कृष्णा सुनने लगे कि हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम सेंटर पे तो मुझे यही अच्छा लगा, वहाँ पे सब जितने भी भक्त थे प्रभु जी सबका जो सेवा भाव था ना वहाँ पर, वो मुझे इतना उस चीज ने अटैक्ट किया कि सभी एक से बढ़ के एक आगे होना चाह रहे हैं सेवा में, किसी को कोई थकावट नहीं हो रही किसी चीज में और सब नए भक्तों को और आगे कर रहे हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारे और भी संस्थाओं में देखा कि जो सीनियर्स रहते हैं वो सबसे पहले पहले आगे होंगे कोई भी आएगा, बट यहाँ पर मैंने देखा कि वो नए भक्तों को आगे करते हैं, नहीं आप आगे आप आगे आप आगे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। और दूसरा कि ये चीज जो भी हमारे यहाँ पर इस्कॉन में जो मैंने सब देखा कि जो भी कथा होगी उसके बाद जो ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है ना, ये कहीं पर भी मैंने और नहीं देखा था कि ये बहुत इससे लगता है कि किसने क्या सुना और किसको कुछ अगर मन में है। नहीं तो बहुत सारी कथाओं में मैं पहले भी जाती थी, बस सुना और आ गए, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, घर आके सब वही बस। बट इसमें अपने क्वेश्चंस को जो भी हमारे मन में उसको सुन करके उठे, वो जो मेरे को मिला वो कहीं और नहीं मिला। एक्चुअली ये कोई आसान बात नहीं होती कि आप ऑडियंस को कह रहे हो कि आप प्रश्न पूछो, है ना, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि व्यक्ति सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है और वो आपकी धज्जी उड़ा सकता है, तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इस्कॉन में क्या बहुत आम बात है, हर व्यक्ति क्या है
क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि छोटे छोटा व्यक्ति भी उसको पता है कि वो व्यक्ति दूसरे को सेटिस्फाई कर सकता, बट बाहर के लोग नहीं कर पाए। थैंक यू। रति रूप कालिंदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को स्टार्टिंग से, मैं फोर्थ क्लास में थी तब से हम लोग इस्कॉन में आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो राधिका रमण जी के विग्रह ने, और उस टाइम पे बहुत मिनिमम नंबर ऑफ डिवोटीज हुआ करते थे, तो वहाँ पे ना डिवोटीज अपने हाथ से वो बनाते थे सबके लिए प्रसाद बनाते थे, तो दैट प्रसाद वो आज तक वैसा सब्सिट्यूट अगेन नहीं मिला, उसका अरोमा ही एक अलग था। डिवोटीज ही अपने हाथ, सारे डिवोटीज अपने हाथ से, और इन जितने भी डिवोटीज आते 20-25 डिवोटी आया करते थे तब पर। लेकिन उस टाइम पे भी ना मेरे को दर्शन में वो था, इंटरेस्ट था, प्रसाद में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन श्रवण में इंटरेस्ट नहीं था। टेंथ क्लास में जब मैं आई तब तक साइंस की स्टूडेंट थी, तो फिर ना मेरे को ये था कि नहीं यहाँ पे इस फॉर्म में ना वो मेंटल चीज नहीं है, इनको बस ना कीर्तन करना आता है। तब फर्स्ट टाइम वेदव्यास प्रिय महाराज जी के लेक्चर सुने थे, ही वाज साइंटिस्ट बिफोर दैट, उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया ना तो मेरे पूरे साइंस की धज्जियां उड़ गई, और दैट टाइम आई थॉट कि अरे यार मैं क्या साइंस सीख रही हूँ, और ये क्या, उससे बहुत हाई लेवल की बात है ये तो। और महाराज ने इतनी आसानी से, इतनी क्लियरली सारे वर्ड जो हम लोग पढ़ रहे थे, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, वो सारी चीजें जो मेरे को लगता था कि हमें तो बहुत हाई लेवल की नॉलेज है, इसको हमें कुछ नहीं है, तो हम उस दिन मेरे को बहुत जूते पड़े, और मेरे को लिटरली समझ में आया कि अभी तक हमारी नॉलेज कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब फिर साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और ये सब रीड किया, तब कुछ कुछ समझ में आने लगा कि हाँ, दिस इज द राइट ट्रैक, दिस इज द राइट प्लेस। स्नेहा श्याम सुंदरी प्रिया माता जी। जी सबसे पहले यहाँ इस्कॉन में मेरी बेटी गई थी अपने ताऊ जी के साथ, तो वो आते थे और हमसे ज्यादा बात नहीं करते थे, सीधा सुबह उठ के स्नान करके और कहते थे कि मैं जा रहा हूँ मंदिर, और शाम को आ करके और फिर वही प्रसाद पाना और सो जाना, सुबह चले जाना, ड्यूटी जाते थे, पानीपत से आते थे। मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसे ही आना जाना इतनी दूर में महीनों बाद आते हो और कोई बातचीत कुछ नहीं करते हो, सिर्फ जाते हो आते हो और प्रसाद पाए और चले गए। उन्होंने बोला कि मैं इस्कॉन में जाता हूँ और वहां जाके आप देखो ये कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाता है, कैसे भक्ति करी जाती है। साथ में मेरी बेटी को भी ले गए थे, स्नेहा को, तो इसने आकर के बताया प्रभु जी कि मम्मा अगर यहाँ कहीं भी इस्कॉन है तो आप भी एक बार जाके देखो, वहाँ अलग ही आनंद है, और सच्चाई जो है सच्चाई है वहाँ पर कि, और कोई कपट नहीं है, निस्वार्थ सेवा चलती है। प्रभु जी उसके कहने पर मैंने ढूंढा कि यहाँ कहाँ इस्कॉन है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, ससुर मंजरी माता जी यहाँ पे है, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ सेक्टर 4 में हमारे यहाँ वैशाली में क्लास होती थी, उनके साथ जब मैं एक बार गई तो वहां जाके मैंने देखा संकीर्तन प्रसाद और एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, तो ये देख करके मैं इस्कॉन में जुड़ी। प्रभु जी मुझे पता चला कि इस्कॉन में वास्तव में सच्ची कितनी अच्छी है। तो आपकी दीक्षा हो गई, बेटे की दीक्षा नहीं हुई? अभी नहीं हुई प्रभु जी, वो पहले जुड़ी थी, दीक्षा नहीं हुई जी। कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट शक्ति गुणमय माता जी। और हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, भक्तों का संग प्रभु जी, हमारी फ्रेंड पहले जुड़ी हुई है, तो फिर वो हमें ले जाती थी प्रभु जी मंदिर, तो मंदिरों से अच्छा विग्रह को दर्शन करके, मतलब वहाँ देखे थे इतने सारे भक्त है ये चैंटिंग कर रहे हैं, फिर हमने अपनी फ्रेंड से कहने पे चैंटिंग शुरू करी, पहले 2 माला से शुरू करी, फिर हर महीने वो हमें अपने साथ मंदिर ले जाते थे, फिर हमने 2 से 4 करी, 4 से 8 फिर 16 ऐसे करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे तो प्रसादम की सेवा साथ को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर मेरे फ्रेंड के घर में क्लासेस शुरू हो गई भक्ति दीक्षा, फिर हमने वो अटेंड करी, फिर धीरे धीरे हम पढ़ने लगे, फिर हमें और भी भक्तों का संग मिला, फिर हमारे जो सीनियर हैं फिर उनकी गाइडेंस में, फिर उनसे हम पूछते थे, वो हमें पूछते थे कि अब ऐसा करो या क्या परेशानी है, फिर हमें उन्हें सारा बता के हाँ हमें ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, उन्होंने हमें गाइडिंग करके, तो प्रभु जी हम इस तरीके से भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड ने हमें भक्ति में लाई है। ठीक है, थैंक यू माता जी। लास्ट तरुण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दनुत नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे इस्कॉन का डिवोटी केयर जो है वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब पहली बार आई थी तो एक डिवोटी ने जो है बहुत
थी केयर किया अपने डॉटर की तरह और सामने बैठ कर प्रसाद खिलाया, वो डिवोटी केयर के वजह से आज मैं इस्कॉन में हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। सो ये हमारे क्लास का ही पार्ट था, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया ना कि कुछ कुछ ना कुछ आकर्षण होता है तो हम भक्ति में आते हैं। तो शुरुआत में हमें कुछ ना कुछ आकर्षण हुआ किसी अज्ञात सुकृति की वजह से या पिछले जन्मों के किसी भक्ति की सुकृति की वजह से, और फिर हमने उसका पालन किया। तो भक्ति की शुरुआत हमारे ऐसे ही होती है, किसी से हम आकर्षित ही होते हैं किसी न किसी चीज से, या भक्तों के संपर्क में आते। तो किसी कोई प्रश्न है आज की क्लास से? यस प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जी माता जी। प्रभु जी को जो फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था कि हमें तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहिए, जी, तो कई बार क्या होता है कि जो बाहर के लोग है ना वो मतलब टेस्ट करने के लिए भी ना कि हमें कुछ आता भी है नहीं आता है। जैसे मेरे साथ हुआ है एक बार ना कि एक थोड़े ओल्ड से अंकल थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। पहले मैं इतना मतलब सिंपल सा आंसर कर रही थी, फिर उनको लगा कि शायद पता नहीं हम लोग ऐसे ही कंठी माला पहन के तिलक लगा के घूमते रहते हैं बेवकूफों की तरह। तो फिर मैंने बात उनको काउंटर किया और जो है फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उनको सिर्फ जो है वही चेक ही करना था, हमारा टेस्टिंग ही था और कोई मोटिव नहीं था उनका कि वो डिवोटी बनेंगे या वैसा। तो कई बार सिचुएशन ऐसे आते हैं ना, तो उस केस में भी क्या हमें मतलब ठीक है छोड़ दे उनको, या उनको अगर वो कुछ पूछ रहे हैं ऐसे कोई अपने इस्कॉन की फिलोसफी या गुरु महाराज जी, तो नहीं करना चाहिए तर्क वितर्क? मतलब अगर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा है तो एक आध प्रश्न को उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तर्क वितर्क का मतलब होता है कि आप तर्क दे रहे हो फिर वो वितर्क दे रहे हैं फिर आप तर्क दे रहे हो, तो सामने सुनिए यार, इसीलिए उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा और ना वो व्यक्ति सामने वाला भक्ति भी बनेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि अगर आपको पता है कि उसका किसी चीज में कुछ इंटरेस्ट है ना, मूवी देखने में इंटरेस्ट है, कृष्ण मूवी दे दो, मतलब उसका इंटरेस्ट देख के प्रसाद दे दो कुछ दे दो, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा रादर देन तर्क वितर्क, जिससे कि उसको अज्ञात सुकृति मिलेगी, वो आगे जाके फ्यूचर में कोई भक्त बन सकता है। तो ऐसा करेंगे मंदिर इनवाइट कर रहा सकते हो उसको, तो वो ज्यादा प्रभावशाली तर्क तर्क से वो कभी भक्त नहीं बनेगा, समझ रहे हो? और उसका कोई सलूशन भी नहीं है, हम जैसे तर्क देंगे वो तो वितर्क देगा वैसे चलता रहेगा, वो उसे उसको सुनना ही नहीं है, तो उसको सुनना ही नहीं है तो हम कब तक सुनाएंगे, इसलिए शांत रहो। जी माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, आपने ये पेज नंबर 23 पे बताया था साधना भक्ति का सार, और उसके बाद फिर आपने बताया है 26 पे भी ये सार, तो मतलब दो सार वो कुछ अलग है ये कुछ अलग है? नहीं नहीं, वो साधना भक्ति का सार है, वो पूरे चैप्टर का सार प्रभुपाद जी दे रहे हैं, वो एक मतलब एक ही, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चैप्टर क्लोज होता है ना प्रभुपाद जी सार देते हैं कंक्लूजन, उसी पर भगवत गीता में भी चैप्टर क्लोज होता है प्रभुपाद जी सार देते हैं, इस चैप्टर से हम क्या समझ सकते हैं, तो इस तरह वो कंक्लूजन है और वो साधना भक्ति का सार था। ठीक है रति रूप कालिंदी माता जी, प्रश्न है आपका कोई? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आज आपने एक्सप्लेन किया कि साधना भक्ति के अंदर हमें कुछ नियमों को अंगीकार करना चाहिए, जैसे मॉर्निंग में हमारा हो गया मंगल आरती का प्रोग्राम, ऐसे हम लोग आगे सुनते हैं कि हमें हर रोज एक कुछ है ना श्रवण के लिए इतने आर्स हमको वो करनी चाहिए, हियरिंग करनी चाहिए, इतने आर्स हमें रीडिंग करनी चाहिए। तो प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि ठीक है हम लोग एवरीडे उसको है ना फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कभी जैसे कोई स्पेशल वो है फंक्शन है या हमारी कुछ है ना ज्यादा सेवा और हमसे वो पूरा नियम फॉलो नहीं हो रहा, मे बी रीडिंग उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, आज हमने ज्यादा हियरिंग कर ली, तो क्या उसमें कोई हमें अपराध लगता है कि नहीं हमने तो एक वो लिया था डिसाइड किया था कि नहीं एक घंटा तो रीडिंग होनी चाहिए लेकिन आज तो नहीं हो पाई, तो एक ना माइंड में मेरे को स्ट्रेस रहता है कि यार कि ना आज मैंने ठीक नहीं किया आज, तो आप बताइए प्रभु जी क्या ये चीज ठीक है कि नहीं है? नहीं अच्छी बात है, हमें रिग्रेट फील होता है तो अच्छी बात है, अच्छा सिम्टम है, अगर रिग्रेट होगा तभी उसको हम करेक्ट कर पाएंगे ना, अगर रिग्रेट ही नहीं हो रहा तो हम करेक्ट कभी कर ही नहीं पाएंगे। और जहां तक उसका सवाल है हम बिजी हैं कुछ आवश्यक कार्य है उसकी वजह से हम नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी जो डेली की दिनचर्या रहती है तो उसमें इतना समय मिल पाना थोड़ा संभव नहीं होता है, तो हम एवरेज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम डेली एक घंटा रीडिंग करते हैं तो हमारा हफ्ते का एवरेज कितना रहा है 7 घंटे,
तो हो सकता है हम किसी दिन रीडिंग ना कर पाए तो अगले दिन ज्यादा कर लें, या संडे को हम 3-4 घंटे कर लें, सैटरडे को 2-3 घंटे कर लें, बाकी 5 दिन हम ना कर पाए। तो ऐसे करके हमें समय निकालना चाहिए, जैसे 15 दिन में 81 वाले दिन समय निकालें तो कोई दिन रीडिंग करें 8-10 घंटे आराम से, कहीं कोने में निकल जाएं। तो हर व्यक्ति निकालते हैं, है ना। तो राधे श्याम प्रभु से एक बार मिला था, पुणे के जो प्रेसिडेंट है, तो राधे श्याम प्रभु का क्या है कि उनके शेड्यूल में एक दिन पैक रहता है, 15 दिन बाद एक दिन उनका रीडिंग के लिए रहता है, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहता है उसमें रीडिंग कर पाना उतना संभव नहीं होता प्रतिदिन, लेकिन 15 दिन में एक दिन क्या करते हैं वो खाली रीडिंग करेंगे और कोई एंगेजमेंट नहीं होगा उनका, तो रीडिंग करेंगे 8-10 घंटे आराम से। तो इस तरह हमें भी कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा, तो निकालना चाहिए हफ्ते में 15 दिन में एक दिन निकालना चाहिए, जिस दिन हम ज्यादा रीडिंग कर पाए, और प्रतिदिन जितना संभव है 15 मिनट 20 मिनट तो वो भी कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, बट करना चाहिए एवरेज। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। और किसी को प्रश्न है? ठीक है, तो अगले मंडे को फिर से हम इसके नेक्स्ट चैप्टर है भक्ति की, जो पात्रता है, कौन व्यक्ति भक्ति कर सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। जो थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, आप कृपा करके उनको पढ़ के आइए। तो जो मेन चीज थी हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, अब जो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, अभी हमने एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट किया, बहुत स्लो चल रहे थे, अभी जो हमारे आगे के चैप्टर्स होंगे अब एक दिन में हम 3-3, 4-4 चैप्टर चलेंगे। तो आपसे अनुरोध है आप पढ़ के आइए, वो रीडिंग के लिए है, उसमें कुछ नहीं है, जस्ट कोट किया गया, जस्ट पढ़ना ही, हम उसमें कुछ फिलोसफिकल पॉइंट ज्यादा नहीं है, फिर भी हम समझने का प्रयास करें। तो आपको अगली बार पढ़ के आने हैं 3-4-5 अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु से प्रभात की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।